बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वेदर लवर्स। कराची में आने वाले शदीद तूफ़ान के हवाले से इंतहाई अहम और ताज़ा तरीन अपडेट पेश खिदमत है। खलीज बंगाल से आने वाला समंदरी तूफ़ान गुलाब हवा के शदीद कम दबाव की सूरत में अब कराची समेत सुबह सिंध के साहिली इलाकों के करीब से नहीं गुजरेगा, बल्कि बिल्कुल कराची शहर के ऊपर से गुजरेगा, जिसके बायस कराची में शदीद तूफ़ानी हवाओं के साथ शदीद से शदीद तर मूसलाधार बारिशों, शदीद आसमानी बिजलियां चमकने और गिरने का इम्कान है। ताज़ा तरीन मौसमी सूरतहाल के मुताबिक अभी आप रेडार पर देख सकते हैं कि हवा का शदीद कम दबाव शदीद गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिशों और 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की तूफ़ानी हवाओं के साथ जुमेरात की सुबह तक कराची में दाखिल होना शुरू होगा। जुमेरात, जुमा और हफ्ता यानी आने वाले मुसलसल 72 घंटों के दौरान कराची के तमाम 100% इलाकों में शदीद से शदीद तर मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। बारिशें मुसलसल 72 घंटे जारी रह सकती हैं। इस दौरान बारिश की कुल मिकदार 100 से 200 मिलीमीटर या 300 मिलीमीटर तक भी पहुंच सकती है, जिसके बायस शहर में नशेबी इलाके जेरे आबाने और अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा भी है। जुमेरात शाम रात से जुमा के दौरान कराची शहर में बारिश और तूफ़ान का जोर सबसे ज़्यादा होगा, जबकि हफ्ता के रोज़ भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। इसलिए तमाम शहरियों से अपील की जाती है कि ख़राब मौसम के दौरान घरों से बाहर ना निकलें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। महकमे मौसमियात की हिदायत पर तमाम मुतलका अदारे हरकत में आ चुके हैं। वेदर लवर्स, हवा का ये शदीद कम दबाव बलूचिस्तान के बहुत सारे जनूबी इलाकों में भी मूसलाधार और तूफ़ानी बारिशों का बाइस बनेगा।